first one amongst these things which I would like to share with all of you is about chocolates. The FDA, Food and Drug Administration, is the topmost authority when it comes to food substances. They set the standards which everyone needs to follow worldwide. These are the standards. So the FDA permits 4% of cockroach parts legitimately by weight in 100 grams of chocolate. So 4%. So in 100, 4 grams of cockroach parts. So the reason behind this being, cocoa beans are grown usually near the equatorial region in South America. That's where most of it comes from. So the cocoa beans are first harvested and they go through the process of fermentation before any extraction can be done. The first step is fermentation. So we all know when something ferments, it emits an odor. So this odor is very pungent for us, but cockroaches love this smell. So they get attracted towards the vats in which the fermentation is occurring. And they come and fall into the vessels in which fermentation is taking place. So when the cockroaches come and fall there, all the manufacturers and the growers who are dealing with it, they gave a letter, an application to the FDA saying, it is impossible for us to separate these cockroaches. It is impossible for us to prevent this from happening because the odor is so strong. So please give us permission to sell it as it is. So the FDA goes, inspects, looks around and says, okay, let me set a standard beyond which it is not permissible. So they agreed upon 4% to be legally permitted. तो आइए मित्रों देखते हैं कि ये जो पहली बात है इसका क्या प्रूफ है, क्योंकि यह वीडियो बहुत जगह घूम रहा है लेकिन सब लोग इस बात का प्रूफ मांग रहे हैं कि इसका क्या सबूत है कि ये FDA ने ऐसा कहा है। तो मैं आपको FDA की वेबसाइट से ये स्क्रीनशॉट्स दिखा रहा हूँ जिसमें नियम CPG 515.700 जिसमें चॉकलेट और चॉकलेट लिकर जो है, चॉकलेट का जो लिक्विड पार्ट है उसमें इंसेक्ट्स और रोडेंट फिल के एडल्ट्रेशन के बारे में रेगुलेटरी नियम बने हुए हैं। इस जो लिख पढ़ रहे हैं आप, इसका अर्थ यह है कि इसमें जिस जितनी मात्रा इसमें लिखी हुई है यदि उससे ज़्यादा पाई जाती है तो पूरे का पूरे इस व्यवस्था पर जो भी चॉकलेट का बनाने वाली कंपनी है उस पर आप एक्शन ले सकते हैं। तो पहला है इंसेक्ट फिल्थ। तो चॉकलेट यदि 600 ग्राम के 6 सैंपल लिए गए हैं और किसी भी एक सैंपल में 60 से अधिक कीड़े मकोड़े के पार्ट पाए जाते हैं प्रति 100 ग्राम तो आप उसको ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। पहले रूल में ये लिखा है इंसेक्ट फिल्थ के। या और उसके बाद बी जो पार्ट है उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी सब सैंपल, जैसे 6 सैंपल हैं, 6 सैंपल में यदि 5 सैंपल में मान लीजिए 50 इंसेक्ट के पार्ट मिले हैं हमें, लेकिन किसी भी एक सैंपल में अगर 90 से ऊपर मिल गया तो भी वो उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। मतलब एवरेज भले ही 60 हो लेकिन किसी एक सैंपल में भी 90 से ऊपर कीड़े मकोड़ों के पार्ट नहीं होने चाहिए। आइए इसे सरलता से समझते हैं। मान लीजिए 6 हमने चॉकलेट के सैंपल लिए जो 100 ग्राम के हैं और उनको हमने नंबर दे दिया, तो जो उसमें इंसेक्ट पार्ट है मान लीजिए निकल के आ गए, जो हमने टेस्टिंग की उसमें निकल कर आए 30, उसके बाद निकल कर आए 85, 55, 50, 30 और 60, तो एक एक सैंपल में इतने निकले, तो जब औसत निकालेंगे तो इसका औसत निकल कर आएगा लगभग जो है वो 55 के करीब। जितने सैंपल है तो 55 का औसत निकल कर आया, तो ये 55 का औसत जो है ये जब निकल के आएगा तो FDA इसको एक्सेप्ट करेगा, मतलब अप्रूव कर देगा कि कोई दिक्कत नहीं है, एक 100 ग्राम प्रति 100 ग्राम जो है 55 अंग जो है निकले हैं इंसेक्ट्स के, तो वो अप्रूव्ड है। अब मान लीजिए इसी सिनेरियो में बदल जाता है कि जो नंबर ऑफ इंसेक्ट पार्ट्स हैं वो बदल जाते हैं, इस बार 30, 60, उसके बाद 95, 50, 30 और 65 निकल के आते हैं, तो अब की बार जो औसत है वो फिर 55 निकल के आया, लेकिन ये 55 का औसत जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि एक सैंपल जो है, तीसरे नंबर का जो सैंपल है उसमें 95 जो संख्या निकली है वह रूल के अनुसार नहीं है, क्योंकि 90 से ऊपर किसी भी एक सैंपल में इंसेक्ट के पार्ट्स नहीं होने चाहिए थे।
मतलब 60 से अंदर अंदर और 90 के अंदर अंदर सब में होना चाहिए। 90 कीड़ों के पार्ट की बात हो रही है यहाँ, ध्यान रखिएगा इस बात का। उसके बाद आता है रोडेंट फिल्थ। रोडेंट फिल्थ मतलब चूहे वगैरह के बालों के बारे में लिखा हुआ यहाँ, रोडेंट फिल्थ के बारे में। तो रोड चॉकलेट जो है, 6 सैंपल लिए आपने 100-100 ग्राम के, जिसमें एवरेज हर प्रति 100 ग्राम एक बाल अलाउड है। किसी भी रोडेंट का एक बाल अलाउड है, चाहे उसका क्या कोई भी साइज हो, मतलब बाल का साइज कुछ भी हो, लेकिन हेयर या उसका भाग जो है वो अलाउड है उसके अंदर। इस नियम को सरलता से समझने के लिए हम फिर उसी प्रकार से सैंपल का उदाहरण लेंगे। इस बार हम रोडेंट्स के हेयर को के सैंपल्स को इसमें लेंगे। तो अगर मान लीजिए 6 सैंपल हैं हमारे पास और हर सैंपल में एक 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 2 0 1 इस प्रकार से बाल निकल के आ रहे हैं, तो जो इसका औसत निकलेगा वो 1 का निकलेगा। और जैसा कि ये नियम के अनुसार है, FDA इसको स्वीकार करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो आप देखिएगा, इसी प्रकार से यदि दूसरे सैंपल में शुरू के 4 जो सैंपल हैं उसमें यदि एक भी बाल ना निकले, लेकिन एक सैंपल में 4 बाल निकल के आए और दूसरे अगले सैंपल में केवल एक बाल निकल के आए, तो इसका पूरा जो औसत है वो 1 से भी कम आएगा, परंतु FDA इसको रिजेक्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो एक सैंपल है उसमें नियम के अनुसार 3 से अधिक बाल निकले हैं, तो यह पूरा सैंपल जो है ये फेल होगा, रिजेक्टेड होगा। यह जो है नियम बनाया गया है जिसमें बाल तो हों लेकिन इनके नियम के अनुसार होने चाहिए। और सबसे नीचे यदि आप देखेंगे, इसमें पार्ट बनाया गया है कि ये इशू हुआ था 1 मई 1985, मतलब 1985 से ये नियम चल रहा है। मार्च 1995 में रिवाइज हुआ, फिर अगस्त 1996 में, और उसके बाद अगस्त सन 2000 में। ये FDA की वेबसाइट पे सबूत है। तो FDA के द्वारा बनाए गए इस रूल से यह तो साबित हुआ कि कहीं भी 100 ग्राम में 4 ग्राम कॉकरोच मिलाने की कोई नियम नहीं है, लेकिन यह भी साबित हो गया कि उसमें बाल जानवरों के, जो कीड़ों के, रोडेंट्स के बाल और कीड़े मकोड़ों के भाग कुछ एक लिमिटेड सीमित मात्रा में डले रहने की अनुमति है, जिसके ऊपर यह मात्रा नहीं हो सकती। यह भी अपने आप में एक ख़तरनाक बात है कि यह तो प्रूव हुआ कम से कम कि इसमें कॉकरेच और आदि के बाल और कीड़े मकोड़ों के अंग होते हैं। यह इसमें ज़रूर सत्य प्रूव होता है। And of course, we know how much we love our rules and how strictly we follow them. So 4%, how much is that? How much does a cockroach weigh? It is very light, right? So if you are having one bar, 100 grams of chocolate, you may be consuming 16 cockroaches. अब ये जो कहा जा रहा है कि आप यदि 4 ग्राम, तो पहली बात तो है कि 4 ग्राम का कोई नियम नहीं है, नियम अलग है लेकिन उसमें 4 ग्राम का। दूसरा, जो वजन के अनुसार ये 16 कॉकरोचेस की बात कर रही हैं वह भी गलत है, क्योंकि यदि आप गूगल पर सर्च करेंगे तो एक कॉकरोच का लगभग जो वजन है वो 0.105 ग्राम होता है। तो यदि आप उसका कैलकुलेशन करेंगे तो 4 ग्राम कॉकरोच यदि हैं, तो 4 ग्राम कॉकरोच में 16 नहीं बल्कि 38 कॉकरोच की गिनती आती है। Do you like it now? Everyone loves the flavor of chocolate, but you do not know that you're actually eating cockroach parts. The most dangerous thing regarding eating cockroach parts is that it has a direct effect on your lungs. We find so many children today who are asthmatic, who have breathing problems. One reason is, of course, the pollution. Another major reason being children being addicted to chocolates. इनके इस दावे की सत्यता आपको लंग अमेरिकन लंग एसोसिएशन से मिल जाएगी, जिसमें ये लिखा हुआ है कि कॉकरोच के कारण और उसके जो फीकल, मतलब उसके जो वेस्ट मटेरियल है और उसके फ्रेगमेंट से जो है एलर्जीज जो है वो हो सकती हैं, जो अस्थमा और आदि से संबंधित हो सकती हैं। तो वो आप इसे पढ़ सकते हैं। Not just children. I think it's easy for us to stop children from eating chocolates, but adults, trust me, it is much more difficult to do that. So we have all become so used to it, so used to the flavor. And what else is there in chocolate? Along with this cocoa, we have two more substances.
both of which are equally harmful. One is sugar, the other is maida. तो देखा आपने किस प्रकार से, आपने देखा होगा कि जो FDA की वेबसाइट है उसमें केवल चॉकलेट नहीं, ऐसे कई प्रोडक्ट्स हैं जिनके जो है लिस्ट दी हुई है बकायदा पूरी की पूरी, जो लगभग 111 आइटम्स की लिस्ट है जो इनकी हैंडबुक में, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो डिब्बा बंद या पैकेट बंद आप खाते हैं तो उन सब में इस प्रकार के डिफेक्ट्स अलाउड हैं जो इनके अनुसार मनुष्य को नुकसान नहीं करते, करते ज़रूर हैं लेकिन इनके अनुसार वो नहीं करते। तो मतलब ये है कि पूरी की पूरी व्यवस्था जो है बड़े बड़े बिजनेसेस को बढ़ावा देने के लिए नियम कानून को तोड़ मरोड़ कर जो है वो बना दिया जाता है, जिसमें आपके स्वास्थ्य को नहीं केवल प्रॉफिट और इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए बनाया जाता है, उसके अतिरिक्त इनका कोई और उद्देश्य नहीं है, अधिक से अधिक मुनाफा कमाना, शुभ लाभ नहीं केवल लाभ कमाना। तो यदि आप देखेंगे तो कोरोना वायरस जैसे वायरस भी श्वसन तंत्र पर ही हमला कर रहे हैं, और यदि आपने चॉकलेट खाकर पहले से ही उसको कमज़ोर किया हुआ है जैसा कि अभी आपने देखा अमेरिकन लंग एसोसिएशन के द्वारा, तो आपका चॉकलेट खाना आपके कमज़ोर श्वसन तंत्र को इस प्रकार के वायरस से बचाएगा तो नहीं लेकिन उल्टा और ज़्यादा प्रभावित होने के आपके चांसेस रहेंगे। तो आज से आप इस बात का नियम बना लें कि आप सभी, कोरोना वायरस का तो चलिए बहाना है, जिस प्रकार से भी हम अपने जीवन को व्यवस्थित डिसिप्लिन कर पाएं और अच्छी चीज़ों का खान पान कर पाएं, शाकाहारी हो पाएं और व्यसनों को छोड़ दें, तो हमें लगता है कि हम लोग इस प्रकार के वायरस से आने वाले समय में और वर्तमान समय में भी बेहतर तरीके से उसका मुकाबला हम कर सकते हैं। अमेरिका में $90 तक देने के लिए लोग इस कॉफी के एक कप के लिए तैयार हैं, क्योंकि यह जो दिखने वाला सामने इसमें जीव है, इस जीव जो है इसको यह कॉफी के जो बीन्स हैं बहुत पसंद हैं, यह इसे खाता है, इस बकायदा भारत में और पूरी दुनिया में इसका पालन होता है और इसकी डिमांड बहुत है। इस जीव का नाम है सिविट कैट बोलते हैं इसको, और ये जो कॉफ़ी है इसे कॉफी लुवैक के नाम से दुनिया भर में प्रसिद्धि हासिल है, या सिविट कॉफ़ी के नाम से भी जानते हैं, और इसे पूप कॉफ़ी, मतलब कि यह जब ये इस कॉफ़ी को खाता है तो इसके बीज इसके पेच में नहीं पसते। और यह अपनी मल में इसको निकाल कर, जब कॉफ़ी के बीन्स को, इसके बीजों को निकाल के फेंक देता है अपने मल के साथ, तो उस मल को इकट्ठा किया जाता है और उसे धोकर इस कॉफ़ी को बनाया जाता है, क्योंकि इनके अनुसार इस बिल्ली के पेट, इस सिविट के पेट में ऐसे कुछ एंजाइम होते हैं जो इसका स्वाद बढ़ा देते हैं। यही कारण है कि यह कॉफ़ी आज मार्केट में आप विश्वास नहीं करेंगे 25,000 रुपये किलो के दाम से बिकती है, और यदि आप कुछ वेबसाइट पे देखेंगे तो यह 1200 रुपये की 50 ग्राम की एक सैशे में आपको मिलेगी। तो इसी जानकारी के साथ आगे आने वाली जानकारों की तैयारियों के लिए मैं वीरेंद्र आप सबको नमस्कार करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, वंदे मातरम।